जिला कराटे संघ और विंध्य ताइक्वांडो संघ ने मिलकर 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। प्रशिक्षण शिविर में बच्चियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में 100 से भी अधिक बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर कला मंदिर रोड पत्रकार भवन में लगाया गया है, जिसमें 100 से भी अधिक बच्चियों को ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट की दीक्षा दी जाएगी। संभागीय क्रीडा अधिकारी राजेश शाके का कहना है कि शिविर में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, जिससे बेटियां मुसीबत आने पर अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। इस अवसर पर लगभग 27,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित कर चुके जिला कराटे संघ के जितेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। अपने नाना घर में रहती थी, उसके नाना उसके खिलौने लाते थे, गुड़िया गुड्डी का खेल खिलाते थे, लेकिन मनु अपने नाना के घर के शस्त्रागार में जाती थी और शस्त्रागार में रखे हुए शस्त्रों के साथ खेलती थी और बचपन से ही शस्त्रागार के साथ खेलते खेलते और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बलिदान हो गई। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, आप अभी बहुत कम उम्र में हो, छोटी उम्र आपको, लेकिन यही उम्र में जो सीखोगे वही उसी प्रकार बड़ा बन करके इतिहास का नाम रोशन करोगे, इस राष्ट्र का नाम रोशन करोगे। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जब सैनिक खड़ा होता है, सीमा पर खड़ा होता है, तो सबसे पहले आत्म सुरक्षा के लिए आपकी तरह ही वो ट्रेनिंग लेता है। बच्चियों के लिए आत्मरक्षा का शिविर 1 महीने के लिए आयोजित किया गया है, 25 अगस्त से और 15 सितंबर तक के लिए। इसमें हम बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, जैसे कि हम समाज में देख रहे हैं कई तरह के अपराध हो रहे हैं बच्चियों के साथ, उससे लड़ने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चियों को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।